हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश की सेक्शन 3 की पोयम इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। द मार्केट प्लेस इज अ फुल ऑफ पीपल थिंग्स एंड एक्शंस। जब आप मार्केट प्लेस जाते हो तो ये पूरा पीपल से भरा हुआ होता है, चीज़ों से और अलग अलग एक्टिविटी से भरा होता है। एंड जस्ट एंजॉय दिस ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉस्टल्स एंड द बस्टल इन द मार्केट। जो मार्केट में जो हलचल होती है उसके बारे में ये पोयम है। एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ वॉकिंग थ्रू इट, आप उसमें चलने का एक एहसास ले सकते हो। ये लिखी है सरोजिनी नायडू ने। व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट, यहाँ पे मर्चेंट को क्वेश्चन पूछती है सरोजिनी नायडू कि मर्चेंट तुम क्या सेल कर रहे हो, क्या बेच रहे हो। रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्ले, तुम्हारे जो वेयर्स है, तुम्हारे बर्तन है, वो एकदम खुले में एकदम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही रिच लग रहा है, बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले हुआ है। टर्बन्स ऑफ द क्रिम्सन एंड द सिल्वर, तुम्हारी जो पगड़ी है वो पूरे क्रीम कलर की है, सिल्वर शाइनिंग है। ट्यूनिंग ऑफ अ पर्पल ब्रोकेट्स, तुम्हारी ट्यूनिंग, तुम्हारी जो गंजी है वो पर्पल फ्लावर्स वाली है। मिरर विद द पैनल ऑफ अ एम्बर, और यहाँ पे बोल रहे हैं जो मिरर है उसकी जो पैनल है ब्लू कलर की है। डैगर विद द हैंडल ऑफ अ जेड, और डैगर मतलब जो खोदने की जो हैंडल है वो जेड है। वापस एक क्वेश्चन पूछती है सरोजिनी नायडू, वॉट डू यू वे ओ ये वेंडर, वेंडर तुम क्या वेट कर रहे हो, तुम क्या सेल कर रहे हो। तो वेंडर यहाँ पे बताते हैं कि सेफ्रॉन एंड लेंटिल एंड राइस, मैं यहाँ पे सेफ्रॉन, लेंटिल और राइस बेच रहा हूँ। वॉट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन, मेडन को पूछते हैं, मेडन मतलब जो ग्राइंड कर रही है उनको पूछती है। तो वैसे वो बोलती है कि मैं सैंडलवुड, हीना और स्पाइस। सैंडलवुड मतलब एक तरीका का वुड आता है, हीना मतलब मेहंदी, स्पाइस मतलब अलग अलग मसाले में ग्राइंड कर रही हूँ। वापस से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू यू कॉल ओ ये पैडलर, चेसमैन एंड द आइवरी डाइस। चेसमैन और मैं आइवरी डाइस में बेच रही हूँ। जब पैडलर को एक क्वेश्चन पूछते हैं, तब जब सरोजिनी नायडू क्वेश्चन पूछती है तो बोले चेसमैन मतलब जो किंग्स क्वीन जो होती है चेस की गेम में वो, और आइवरी डाइस मतलब जो डाइस होती है वो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ बाजार का पिक्चर आपको इस हिसाब से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं गोल्डस्मिथ को, व्हाट डू यू मेक ओ गोल्डस्मिथ, ब्रिसलेट, एंकल एंड अ रिंग, हाथ पे पहनने के लिए जो कड़ा आता है उसको ब्रिसलेट बोलते हैं, एंकल मतलब पैर के नीचे के हिस्से में पहनते हैं एंकल बोलते हैं, और रिंग। बेल फॉर द फिट ऑफ अ ब्लू पिजन, ब्लू पिजन के लिए जो बेल्स होती है गले में लटकाने की वो। फ्रेल्स एज अ ड्रैगन फ्लाइज रिंग्स, और जो जब ड्रैगन्स फ्लाई करते हैं मतलब उसके पीछे की जो फ्रेल होती है वो। ग्रिडल्स ऑफ द गोल्ड फॉर द डांसर, डांसर के पैर में जो घुंघरू होते हैं वो। स्क्रैबल्स ऑफ अ गोल्ड फॉर द किंग्स, और जो किंग का जो मुकुट होता है वो गोल्डस्मिथ बेच रहा होता है। व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूटमैन, फ्रूटमैन को पूछती है सरोजिनी नायडू कि तुम क्या बेच रहे हो। तो फ्रूटमैन बोलता है साइट्रॉन, प्रोमोगेनेट, प्लम। साइट्रॉन मतलब खट्टे फ्रूट, प्रोमोगेनेट मीन्स प्रोमोगेनेट, और प्लम, प्रोमोगेनेट का मतलब होता है जो अनार, और प्लम। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियन, यहाँ पे पूछते हैं म्यूजिशियन को कि तुम क्या प्ले कर रहे हो। तो म्यूजिशियन बताता है मैं सितार, सारंगी और ड्रम बजा रहा हूँ। म्यूजिशियन को पूछते हैं कि व्हाट डू यू चैंट ओ म्यूजिशियन, तो बोलते हैं स्पेल फॉर द एओन्स टू कम, वो बोलते हैं कि मैं फ्यूचर आने वाले का मैजिक कर रहा हूँ, मैं विश करता हूँ, मैं ऐसा मैजिक कर रहा हूँ कि फ्यूचर जल्दी जल्दी आए। व्हाट डू यू वेव ओ ये फ्लावर गर्ल, वो फ्लावर गर्ल को पूछ रहे हैं कि तुम क्या बना रही हो। तो विद द टेसल ऑफ अजर एंड द रेड, जो लड़कियाँ त्यारा पहनती है वो ब्लू और रेड कलर के बना रही हो। क्राउन फॉर द ब्राउन ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, वो दूल्हे के लिए जो क्राउन होता है वो बना रहे हैं। शेपलेट टू गार्लैंड हिज बेड, शेपलेट का मतलब होता है जो व्रेट ऑफ अ फ्लावर, जब डेथ हो जाती है तो जैसे पहना चढ़ावा पहनाते हैं वो। शीट ऑफ अ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्लैंड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, और ये जो शीट होती है वाइट कलर की, जो वाइट कलर की जो फ्लावर की पूरी जो शीट होती है उसमें से परफ्यूम की स्मेल आ रही होती है, जो डेड वन जब स्लीप हो रहे थे उसके ऊपर चढ़ाने की वो बना रहे होते हैं। ये लिखी है सरोजिनी नायडू ने। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।